तो भी गाइस स्कूल पहुंच गया हूं, गाड़ी यहां पार्क कर दिया। फिलहाल वेट कर रहा हूं पियूष और कुनाली का, वो आ रहे हैं। तो गाइस आ गए हैं भाई। ये फीलिंग पे लोग होते हैं, तीनों भाई जा रहे हैं पोर्शा में, वो भी स्कूल से लेने गया इनको मैं। और गाइस दोनों के एग्जाम थे, लास्ट एग्जाम थे दोनों। कैसे रहे? हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस एक गुड न्यूज़ है, मैं जा रहा हूँ फिर से दुबई एक इवेंट पे, जो कि बहुत स्पेशल इवेंट है। तो वो क्या है वो आपको चलेगा पता वहीं जाके। तो मेरे को 2 दिन बाद निकलना है, कल या परसों मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए, फिर वहाँ से मेरी फ्लाइट है दुबई की। तो हाँ मेरे को तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि दुबई में मीटअप करूँ, जितने भी लोग दुबई से देखते हैं ना तो आप मिलने के लिए आ सकते हो। तो वो प्लान करेंगे, मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बता दूंगा, मस्त मिलेंगे आप लोगों से। बाय द वे आज घर में काफ़ी कम लोग हैं, पीयूष कुनाली गए स्कूल, साहिल पापा जी और दादाजी गए हैं हॉस्पिटल, दादाजी के पेट में दर्द हो रहा था तो उनको दिखाने के लिए गए हुए हैं। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ पीयूष और कुनाली को स्कूल से लेने के लिए, वो भी फर्स्ट टाइम सुपर कार में। स्कूल चलते हैं उनके सुपर कार लेके और वहीं से उनको लेके आते हैं। चलो ये खड़ी अपनी सुपर कार, दोनों भाइयों को उस सीट पे बिठा लूंगा मैं और बाकी बैग को डिग्गी में डालूंगा और फिर ले आऊंगा। तो चलते हैं मस्त दोनों भाइयों को लेने के लिए। गाइस देखना ये कि उनके स्कूल तक जा पाएगी नहीं जा पाएगी, बिकॉज वहाँ पे गड्ढे हैं उस रोड पे थोड़ा, तो देखते हैं फर्स्ट टाइम ले जाके। तो भी गाइस स्कूल पहुंच गया हूं, गाड़ी यहां पार्क कर दिया, फिलहाल वेट कर रहा हूं पीयूष और कुनाली का, वो आ रहे हैं। तो गाइस आ गए हैं। कुनाली कैसा दिन था आज का? अच्छा था। दो बैग दो अपना, डिग्गी ऐसे नहीं खुलेगी, रुको। दबाओ। गाइस गाड़ी मैंने स्कूल से थोड़ी दूर खड़ी करी थी, बिकॉज वहाँ बच्चे बहुत थे ना, तो इसलिए मैंने थोड़ी दूर खड़ी करी थी। यहाँ पे सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है और ट्रक खड़ा है, बाकी सारी गाड़ी उधर खड़ी है। तो चलो अब चलते हैं पीयूष कुनाली को लेके। चले चलो चलो भाई स्कूल से निकल गए। भाई ये फीलिंग पे लोग होते हैं, तीनों भाई जा रहे हैं पोर्शा में, वो भी स्कूल से लेने गए इनको मैं। और गाइस दोनों के एग्जाम थे, लास्ट एग्जाम थे दोनों। कैसे रहे? तो एग्जाम खत्म हो गया, अब इनकी छुट्टियां पड़ जाएंगी, विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन में चलें कहीं घूमने के लिए? कहाँ चलना है बताओ? मेरे तो मन लद्दाख का है। आपकी बार फॉरेन है? फॉरेन जाना है। फॉरेन? अरे मैं दुबई जा रहा हूँ पता है, बट मैं इवेंट के लिए जा रहा हूँ ना। अगर आप इवेंट के लिए जा रहे हो एक होटल बुक कर लेना हम दोनों के लिए, के लिए तो हमको भी लेके जाना, मेरे पास एक ट्रिक है वहाँ रहने की। कैसे क्या क्या ठीक है? आपको करना है हमके लिए एक होटल बुक कर देना और आपके जाना बहुत ईजी। तो आप क्या करोगे होटल में? क्या करोगे आप होटल में? अच्छा वाला करना ना, जहाँ पे कुछ अच्छा हो। तो क्या करोगे होटल में? होटल में स्विमिंग पूल में घूमोगे? नहीं दुबई में घूमोगे? नहीं इवेंट होगा ना, इवेंट के बाद कहीं ले जाना। इवेंट रात तक होता है कुनाली? रात तक होता है। सर तो जल्दी पहुंचा यार, मेरे को ये आ रही है। बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। जल्दी करो यार। कितने क्यूट लग रहे हैं इस कोट में। मैं तो पहले से ही हूं ना प्यारा, कोट में और प्यारा लग रहा हूं। बात देखो मम्मी, समझ लो मैं क्यूट हूं, पिज्जा हैंडसम है ठीक है? अच्छा समझ लो। क्यों? पिज्जा बालों के जैसे अपने हैंडसम है, अगर इसके छोटे बाल होते तब वो हैंडसम नहीं होता। आप क्यूट क्यों हैं? क्यूट क्यों? क्योंकि मेरा ग्लो करती है, क्योंकि मेरे मुंह ग्लो करती है। अच्छा मुंह ग्लो करती है? हाँ। किसने बताया आपको क्यूट हो आप? हैं? आपको किसने बताया आप क्यूट हो? सीसे ने। हैं? सीसे ने। अच्छा सीसा बोलता है? हाँ। कैसे बताया? वो दिखाता है ना। हैं? दिखाता है खुद को। अच्छा। पहली बार कोई बच्चा खुद को क्यूट क्यूट कह रहा है, देखो पता हुई। फाइनली हम तीन डॉक्टर को दिखाया हमने। तीन डॉक्टरों से लिया। क्या कहा? सही है, कुछ नहीं है, एक जगह दवाई दी, कुछ नहीं है, फिट हो। तो दर्द क्यों होता है पेट में? पेट दर्द की दवाई लाए। गाइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती दादाजी को, लास्ट ईयर ऑपरेशन कराया था और अब फिर से पेट में वहीं पर दर्द। ओ भाई इतनी सारी दवाइयाँ। ये देखो भाई स्कूल से आते ही दो चीजें खराब, एक तो फोन, ऊपर से मैगी। आप कोई भी ऐसी कंडीशन बता दो आप फोन छोड़ दोगे उसके लिए? आप किस चीज के लिए फोन छोड़ सकते हो ये बता दो। और ये देखो आईपैड और मैगी, दोनों भाई सेम भाई, ये फोन मैगी और वो आईपैड मैगी। तो अब जा रहा है पीयूष ट्यूशन, तो अब आएगा ये सीधा 5-6 बजे। स्कूल से घर आते ही खाना खाते ही फिर ट्यूशन, तो इसकी लाइफ तो फुल बिजी। कुनाली आपको भी ट्यूशन लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। लगा दो ट्यूशन, लगा दो आपका, कुनाली का ट्यूशन लगाएंगे चाचाजी के पास, मेरे पास। हाँ पक्का डन। तो गाइस आप जा रहे हैं फॉर्च्यूनर लेने के लिए, वो टोयोटा में दे रखी थी पूरी चेक करवाने के लिए, बिकॉज 50,000 किलोमीटर हो चुके हैं। तो मैं उसको पूरी चेक करवा रहा था, पूरी अलाइनमेंट वगैरह की गाड़ी हमारी बिल्कुल सही है, तो उसके ब्रेक पैड चेंज होने थे, वो सारी हो चुकी है, हमारी गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है। चलो भाई टोयोटा पहुंच चुके हैं, गाड़ी आप पार्क कर दिए, और हमारी फॉर्च्यूनर ये खड़ी देखो ब्लैक बोनेट वाली, अब तो बिल्कुल यूनिक हो गई है। देख ब्लैक भी होती है वाइट भी होती है, बट इस तरह की कोई नहीं होती, ऊपर से पूरी ब्लैक, यहाँ से पूरी वाइट, नीचे से ब्लैक। हमारी गाड़ी रेडी है अब लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए, अब इसको कहीं भी ले आ सकते हैं हम। तो अपनी फॉर्च्यूनर की 50,000 वाली सर्विस हुई है 16,000 रुपये में। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है ना इसमें, ब्रेक पेड चेंज हुए हैं और ऑयल वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती है सारी चेंज हुई हैं इसमें। अब चलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर को लेके घर।
तो गाइस अब बताओ इस पे कौन सा कलर कराना चाहिए, या फिर ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट भी करा सकते हैं। जैसे ये वाइट है ना, ऊपर से ब्लैक है, ऐसे ही ऊपर से ब्लैक रहेगी नीचे से वाइट, तो सेम सेम हो जाएगी। ब्लैक एंड वाइट ये, ब्लैक एंड वाइट ये। ये देखो भाई, ये भी मैगी, तीनों भाइयों को बस मैगी चाहिए। तो गाइस ये देखो हमारे फूल कितने मस्त खिल गए, अब कितने बड़े बड़े से हो गए। अब जब लाए थे तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, पौधे भी छोटे छोटे थे, और अब देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब जा रहा हूँ नए घर काम देखने के लिए, दिन में एक चक्कर जरूरी है गाइस। गाइस आपको पता है जो सीढ़ियाँ बनी है ना, ये टूटने वाली हैं, ये भी हो जो ऊपर बनी है, मतलब इतनी मेहनत से बनाई है सिर्फ सपोर्ट देने के लिए। इसके ऊपर अभी सरिया लगेगा, फिर उसमें पूरा जाल बनेगा, फिर उसमें आरसीसी डलेगा, उसके बाद फिर टूट जाएंगी। ये लकड़ियाँ दिख रही है ना, ये लकड़ियाँ हटेंगी, ऊपर से पूरा नीचे गिरेगा, सब जितनी मेहनत की है सब नीचे गिरेगा। जहाँ पे आप खड़े ना ये टूट जाएगा। ये देखो जी, ये वाली सीढ़ी है ना, ये नीचे गिर जाएंगी पूरी, ये भी और ये भी। गाइज मैं आपको वॉशरूम वाले दिखाता हूँ कितना बन रहा है, कितना बड़ा वॉशरूम बन रहा है। देखो जैसे ये रूम है, इस रूम का वॉशरूम ये है पूरा, वहाँ से लेके पूरा एंड तक, वहाँ तक ये पूरा ड्रेसिंग वाला एरिया है, और ये वॉशरूम है, काफी बड़ा है। सुनता हिंदी लगाओगे इंग्लिश लगाओगे? क्या हिंदी इंग्लिश? टॉयलेट। आपको कौन सा पसंद है? इंग्लिश। दो एरिया बनेंगे, एक वॉशरूम एक चेंजिंग रूम। तो ये वॉशरूम है पूरा, और इधर चेंजिंग रूम है, ये वाला पूरा, वहाँ से लेके यहाँ तक चेंजिंग रूम, ये पूरा वॉशरूम। तो गाइस आज बनेगी मस्त हरी सब्जी, काट दी है चाची ने। ओ भाई ये देखो गाइस, ये देखो भाई कितना चालू बन रहा है भाई। भाई फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? किसका फोन है ये? जो वहां से भी निकाल दिया मैंने, इसे जो है टीवी बंद कराया, इसने इसका फोन लेके भाग गया। फिर फोन ले लिया। चलो भाई स्टडी टाइम आ गया भैया। काजू कतली होगी पक्की बात है, काजू कतली होगी। ये सैल को बुलाओ, सैल का फेवरेट है ये। मैं सैल दा सो रहे हैं, सैल दा की फेवरेट है ये, सैल दा को सुंघाते हैं। चलो सैल दा की फेवरेट है। अरे मैं खाने दूंगा भाई। हैं खाने दूंगा मैं? क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, खांसी हो रही ना, खांसी, बट फिर भी एक तो ले। ओ भाई देखो खुद मैं कह रहा, मना नहीं करता, खुद खा गया। कुछ भी देखो, एल्यूमिनियम नहीं है वो, सिल्वर है वो भाई। ये मजा आया था खा के, देखो ये। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ स्काई डेक बॉबी भैया से मिलने के लिए, वहीं पे डिनर कर लेंगे, कुछ बातें करनी थी। ठीक है मामू, मैं तो लेट आऊंगा, अब मिलते हैं। तो आज साथ में जा रहे हैं पापा जी, चलते हैं पोर्च लेके जाएंगे भाई। तो गाइस स्काई डेक में आ गए हैं अपने अड्डे में, मस्त बैठेंगे यहीं, बातचीत करेंगे 2-3 घंटे, मस्त बॉबी भैया के साथ में प्लान करेंगे फ्यूचर ट्रिप्स का। तो गाइस इतनी भूख लग रही थी, खाना खा लिया, व्लॉग ही नहीं बनाया मैंने, तो मस्त यहाँ पे वेज प्लेटर मंगाया था हमने, सौते वेजिटेबल्स वगैरह मंगाए थे, सूप मंगाया था। तो गाइस घर जाने का टाइम आ चुका है, देखो 11 बजने वाले, भाई टाइम पता ही नहीं चला। तो अब चलते हैं घर, रात के पूरे 11 बज चुके हैं, देखो चलो। तो अभी घर पहुंच गया हूँ, सभी सो चुके हैं, इसलिए मैंने पहले ही सबको गुड नाइट बोल दिया था। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बड़ी है लग तो छोटी रही है। हाँ छोटी बनाई फिर हमने, तो बड़ी क्यों कह रहे हो फिर? फिर इसको बड़ी कहते हैं ना, बड़ी इनको नहीं। बड़ी तो हम तो बड़ी कहते हैं इनको, बड़ी कहते हो? हाँ, इसकी सब्जी बनाते हैं भात के चावल के साथ।